प्रश्न तीन है, बीसी 7.5 सेंटीमीटर और एसी 5 सेंटीमीटर, और जो हमें सी का मेजरमेंट बनाना है, सी पे जो कोण बनाना है वो 60 डिग्री का। त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए, यानी कि जो बीसी है वो हमारा 7.5 सेंटीमीटर आएगा और एसी हमारा 5 सेंटीमीटर आएगा। तो इसको हम बनाएंगे, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, त्रिभुज कौन सा बनाना है हमें, इसके अंदर त्रिभुज एबीसी बनाना है। तो एबीसी जैसे हमने प्रश्न दो में किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे। जो एबीसी है उसके अंदर जो बीसी है वो हमारा बेस बनेगा, और जो बीसी है इन्होंने हमें कितना लेने के लिए बोला हुआ है, 7.5 सेंटीमीटर। तो यहां पर ये हमारा बन जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आप इधर भी बी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, दोनों साइड में से कहीं पे भी ले सकते हैं। तो ये हमारा बन गया बीसी। उसके बाद हमने बनाना है बी के ऊपर, सॉरी सी के ऊपर, जो बीच में लिखा होता है, जैसे बी सी एक्स है तो जो सी हमारा बीच में लिखा है तो इट मीन्स हमें सी के ऊपर 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो अगर हम इस साइड हमारा सी है तो हमें इसके ऊपर 60 डिग्री का कोण बनाना है। 60 डिग्री का कोण अगर हम कंपास से बनाते हैं तो हमें थोड़ी सी कंपास अपने हिसाब से इसको ओपन करके इस तरीके से एक आर्क लगानी होती है, और इसके बाद यहां से जो पहली आर्क लगती है ये हमारी होती है 60 डिग्री की। ठीक है, इसका मतलब अगर अब जो यहां से लाइन जाएगी वो हमारी 60 डिग्री का कोण बनाएगी। 60 डिग्री का कोण कंपास से ऐसे बनता है। ठीक है, अगर आपने सी इधर लिखा होगा तो आप इधर बना सकते हैं, और जो पहली आर्क लगाएंगे, जैसे एक ये पहली आर्क लगाई, जैसे हमने ये यहां लगाई थी, उसके बाद जब यहां से एक आर्क लगेगी वहां हमारा ये 60 डिग्री का कोण बन जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा बन गया 60 डिग्री का कोण। अभी मैं आपको प्रोटेक्टर से भी दिखाऊंगी, डी से, कि बिल्कुल ये हमारा 60 डिग्री का बना है। ठीक है, अब हम डी की हेल्प से देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पर ये जो है हमारा ये बिल्कुल 60 डिग्री का बना है। जैसे कि आपको मैंने बताया था, अगर हम राइट हैंड साइड पे दाई तरफ बनाते हैं तो हम ऊपर वाले सारे देखते हैं। ठीक है, ये सारे ऊपर वाले, तो ये हमने राइट हैंड साइड पे बनाया तो हमारे 60 डिग्री इधर आ रहा है, और हमें ये कंपास से ही बनाना है, डी से नहीं बनाना। ठीक है, उसके बाद इसको बनाने के बाद अपने सी को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर चाप लगानी है। यहां से 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर यहां से हमें सी से एक चाप लगानी है। तो ये हमारा जो ऊपर तक हमने बनाई थी इसको हम एक्स नेम दे देते हैं, सी एक्स, और इसके ऊपर हमने जो पॉइंट लिया ये हो गया हमारा ए। ठीक है, अब हमने ए को जो है बी से मिला देना है और हमारा जो त्रिभुज है वो रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बन गया त्रिभुज एबीसी, जिसमें हमारा बीसी 7.5 सेंटीमीटर है, सी पे हमारा 60 डिग्री का कोण बन रहा है और एसी हमारा है 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम इसकी जो है नीचे रचना के पद लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारी ये प्रश्नावली 10.3 जो है वो पूरी हो जाती है। होपफुली आपको हमारी सभी वीडियोस हेल्पफुल लगी हो। वीडियोस हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।